झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बाद अब भारत सरकार इसके प्रोडक्ट के निर्यात को लेकर बड़ा कदम उठा सकती है। गेहूं उत्पादों जैसे आटा, मैदा और सूजी के शिपमेंट में हुई अचानक अधिक बढ़ोतरी की वजह से सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। गेहूं के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध के बाद भारत इसके प्रोडक्ट की शिपमेंट भारी मात्रा में हो रही है। वहीं सरकार ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने और महंगाई पर काबू पाने के लिए मई में गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था। वहीं खबर के अनुसार इस उद्योग से जुड़े एक अधिकारी ने कहा है कि गेहूं और उसके प्रोडक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। गेहूं की खपत इससे बनने वाले प्रोडक्ट से ही होती है, इसलिए कुछ हद तक सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि गेहूं को इसके प्रोडक्ट के रूप में देश से बाहर ना भेजा जा सके। वहीं कारोबारियों ने कहा है पिछले एक सप्ताह में गेहूं के प्रोडक्ट पर प्रतिबंध को लेकर अफवाहें चल रही हैं। एक निर्यातक ने बताया कि भारत द्वारा 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद से आटे का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने अप्रैल 2022 में 314 करोड़ रुपए का 95,094 टन गेहूं के आटे का निर्यात किया है। 2021-22 वित्त वर्ष में भारत ने कुल 5.66 लाख टन आटे का निर्यात किया था, जिसकी कीमत लगभग 1842 करोड़ रुपए थी, यानी हर महीने 50,000 टन के आसपास गेहूं के आटे का निर्यात हुआ था। वहीं 2020-21 में 2.78 लाख टन गेहूं का आटा बाहर भेजा गया, जबकि 2019-20 में मात्रा ये 1.99 लाख टन थी। वहीं व्यापारी के मुताबिक प्रतिबंध के बाद गेहूं की कीमतों में गिरावट आई है और इससे आटे के निर्यात को संभव बना दिया है। 70% सीमा शुल्क के बावजूद आटे का भरपूर निर्यात हो रहा है। व्यापारियों के अनुसार भारतीय गेहूं का आटा $350 से $400 प्रति टन के बीच है, लेकिन एक अन्य व्यापारी ने कहा है कि निर्यात को गेहूं के आटे की आपूर्ति 26,000 से 27,000 रुपये प्रति टन की जाती है। वहीं भारत ने मार्च अप्रैल के दौरान देश भर में गर्मी से प्रभावित होने के बाद गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी वजह से FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम बफर स्टॉक के लिए पर्याप्त स्टॉक नहीं जुटा पा रही थी। कृषि मंत्रालय के अनुसार गेहूं का उत्पादन 106 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो रिकॉर्ड 111.32 मिलियन टन के शुरुआती अनुमान से कम है। वहीं FCI ने पिछले साल खरीदे गए 43.33 मिलियन टन के मुकाबले इस बार कम खरीद की है। रूस यूक्रेन की वजह से दुनिया भर में गेहूं की मांग और आपूर्ति का अंतर बिगड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।